3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण डॉक्टर एवं फार्मासिस्ट समेत नर्स सभी कर्मचारी ने 1 नवंबर को सदर अस्पताल कैंपस में हड़ताल कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी सेवा बिना बाधित किए हड़ताल जारी रखी गई। हड़ताल की सूचना सदर अस्पताल अधीक्षक को मिलते ही मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को समझाते हुए 15-20 दिनों के अंदर भुगतान कराने का आश्वासन भी दिया। वेतन के लिए विगत तीन माह से हम लोग को वेतन नहीं मिला, उसी लिए हम लोग हड़ताल किए। 3 माह से आप लोगों को वेतन नहीं मिला जी, इससे पहले भी इस तरह का मामला आया था क्या? पहले बहुत पहले ऐसा हुआ था, अभी नहीं, अभी तो इस तरह से नहीं हुआ था। वेतन तो रेगुलर मिल ही रहा था। अभी मेडिकल कॉलेज होने के कारण कुछ परिस्थिति आ गई है, जिसके कारण हम लोग का 3 महीना से वेतन लंबित है। तो कौन कौन से कर्मचारी यहाँ पे हड़ताल है? सारे कर्मचारी हमारे तृतीय वर्ग के सारे कर्मचारी, फोर्थ ग्रेड सब, सारे सिस्टर, सारे कर्मचारी हड़ताल में अभी बैठे हुए। हम लोग को 3 महीने से वेतन नहीं मिला, इस कारण से हम लोग हड़ताल किए हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग करीब 70 लोग हैं। आप लोग जब हड़ताल किए गए तो अस्पताल में तो काम बंद होगा? हाँ, काम बंद है। मरीज के साथ कुछ ऐसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? मरीज की जिम्मेदारी, हम लोग को वेतन नहीं है तो हम लोग कैसे काम करेंगे। खबर खंडवा से है, जहाँ